मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने चाहा था, तो ये समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे बच्चे, अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न है कि हम स्वयं को कैसे समझें? मेरे बच्चे, जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना? बस वही स्वयं के साथ करना शुरू करो। बस सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, भय उसे ही होता है जो गलत करता है, भय उसे होता है जो पाप कर्मों में लिप्त होता है, उसे ही यह भय होता है कि महादेव देख रहे हैं। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करते समय ये भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, इसलिए वह निश्चित होकर कार्य करता है कि जो होगा सब महादेव देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूंगा, मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है और पापी भय से व्याप्त होकर देखता मैं दोनों को हूँ। आकलन तो कर्म ही करेंगे, लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर तो मैं ही सदैव उसके साथ रहता हूँ। आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भारी नहीं पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इसी तरह निश्चित होकर मेरा हाथ पकड़ लेना है। मेरे बच्चे, इस संसार को तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास नहीं सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है नहीं, कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। इसलिए अपने प्रयासों को किसी भी मोड़ पर कमजोर अथवा कमतर मत पड़ने देना। कमजोर प्रयास सिर्फ कमजोर परिणाम ही पैदा कर सकते हैं। जीवन में भव्य और सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, कठोरता और जड़ता आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। जिस प्रकार से लोहा तपकर नरम होकर ही हथियार बनता है, सोना नरम होकर ही जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर ही खेत बनती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनता है, उसी प्रकार से इंसान भी नरम होकर ही लोगों के दिलों में अपना स्थान प्राप्त कर पाता है। सुमधुर व्यवहार का धनी व्यक्ति किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में रास्ते कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, बस अक्सर लोग ही हालातों से हिम्मत हार जाते हैं। जब भी हिम्मत हारने लग जाओ तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर
तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक इस पूरे विश्व में तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे बच्चे, स्वयं पर भरोसा करोगे तभी कठिन हालातों में हिम्मत बनाए रख पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी जीत पाओगे, तभी अपने दुखों और परेशानियों से पार आ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ये तुम्हारी हिम्मत की ताकत ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसके साथ ही एक बार ये भी समझ लो कि इस संसार में लोगों पर भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्री और फिटकरी दोनों दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर होता है। इनके स्वभाव के अनुसार ही ये हमारे जीवन में प्रभाव भी डालती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों और परिस्थितियों से अवगत हूँ। मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।